राजनांदगांव में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने के मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचा। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि गृह निर्माण मंडल के अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर मृतक ने आत्महत्या की थी। मृतक कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान था। दोषी अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने थाने का घेराव किया और मृतक को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं सीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हमारा सवाल ये, पिछले 8 जून को हाउसिंग बोर्ड में डेली वेजेस में काम करने वाले प्लम्बर संतोष साहू जी ने आत्महत्या की थी, और उस आत्महत्या का कारण परिवार वालों के बयान पे कि हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बेल चंदन जी द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था महीनों से, जिसको उन्होंने लगातार घर में जिक्र किया था। और जिस दिन से उन्होंने आत्महत्या की, अगले दिन से इनके परिवार वालों ने थाने में शिकायत लगातार, इनके बयान भी हो चुके, पर अब तक आज 25 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पे भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है मोनू बहादुर जो है संतोष साहू के परिवार लोगों के साथ लेके थाना घेराव करने आए थे, तो ये शांतिपूर्वक रहा थाने के सामने, धरना प्रदर्शन बैठ के किया गया है। और इनका जो डिमांड है कि आरोपी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करी जाए, हम जांच कर रहे हैं, जांच में अगर ऐसा लगता है, ऐसा एविडेंस मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग एफआईआर करेंगे और जांच चल रही है। सुबह रविवार को डेथ हुआ है सर मेरा पिताजी का, और वो बेलचंदन के खिलाफ मतलब बयान दिए थे और घर में भी बोले थे कि मतलब ये मेरे को परेशान करता है करके, और उसी संबंधित में मैं थाना में रिपोर्ट भी लिखवाया और माँ भी थी साथ में और मेरे घर परिवार वाले लोग थे। और जो हम लोग यहाँ जैसे कि यहाँ बयान लिखवाया, उसके बाद में पुलिस वाले लोग जाकर फिर दोबारा पूछताछ किए कि आपके खिलाफ कोई बयान दिया, उसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है करके।